हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, कल आप लोगों ने 7 आवर चैलेंज लिया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव रिसीव्ड सम राउंड यू कैन से 98-100 रिस्पॉन्सेस। है ना, हमारी ऑफिस बिजी हो गई है सब लोगों के आंसर निकालने के लिए, बिकॉज देन वी आर फाइंडिंग आउट यू कैन से वो आर द टॉप 5 पीपल। ठीक है, तो वो शाम तक आपको मिलेगा। आज आपका लॉजिकल रीजनिंग का यू कैन से 7 आवर का चैलेंज आएगा। ठीक है, पर दोस्तों कल जब हम इगेन से आपको आरसी का टेस्ट दिए थे, उसके बाद देन वी रियलाइज दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस अबाउट आरसी, बिकॉज एक ऐसा सेक्शन जो क्लैट में जिसका वेटेज 20% है, ठीक है, पर पूरी तैयारी में हम में से बहुत सारे लोग उसको इतना वैल्यू देते नहीं है। ठीक है दोस्तों, आरसी के लिए तैयारी क्या करे, अगर ऐसा मैं किसी से पूछूं, ठीक है, तो इट टर्न्स आउट बी रियली शॉकिंग दैट सर कुछ तो करते नहीं है, मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो हो जाता है। ठीक है, यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ द पेरेंट, ठीक है, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली उनकी डॉटर कैसे पढ़ाई कर रही है। ठीक है, शी हैड लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट हर डॉटर एंड शी रेज लॉट ऑफ इश्यूज। सो इंटरेस्टिंगली व्हाट आई रियलाइज इज कि आरसी में कोई ढंग से काम करता ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगा कि भैया एक काम करते हैं, ठीक है, हम सेक्शन वाइज क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। 7 वीक का टाइम बचा है, सही अगर अप्रोच करेंगे तो ये पक्का है कि हम अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टॉप 3 एनएलयू में जाना चाहते हैं देन यू नीड अ स्कोर विच इज अबाउट 95 या 100 के ऊपर, कंसिडरिंग क्लैट 2021 का पेपर। ओके, ठीक है, उसको ध्यान में रखें, तो वी नीड अ स्कोर ऑफ अबाउट 95+। ठीक है, 95+ एक्चुअल एग्जाम में लाने के लिए आपके मॉक में 105 के ऊपर आने चाहिए। यस नो, देन यू आर रीचिंग इन टू द टॉप यू कैन से 3 एनएलयूज। ठीक है, अब मैं ये सोचूं कि इफ आई वांट टू स्कोर 105+, व्हाट विल बी माय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आरसी टू दैट पर्टिकुलर स्कोर। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से चेक करिए कि क्या आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यू कैन से कंट्रीब्यूशन टू योर टोटल स्कोर इज अबोव 20%। ये बड़ा महत्वपूर्ण लेकिन से सवाल बन जाता है ये हमारी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इंग्लिश स्कोर का कंट्रीब्यूशन, मतलब जो फाइनल स्कोर आता है आपका, जो भी स्कोर आया, लेट्स से यू गॉट 70, है ना, तो आपका इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, अगर आपका स्कोर आया 80, इंग्लिश सेक्शन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरा मानना है दैट आउट ऑफ लेट्स से 105 का स्कोर, on an average your contribution from English will not be just 20%, ठीक है, it will be more than 20%। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, it will be more than 20%, it should be in the range of some around 25-27% के आजूबाजू होना चाहिए। ठीक है, now that turns out to be really a very challenging task। ठीक है, तो सवाल यह पैदा होता है कि सर, how do I score high in mocklet? So the first point is, how do you score more in each section? ठीक है, in a given time limit, हम हर section के बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं RC के बारे में। सबसे पहला मुद्दा रहता है RC के अंदर कि there has to be a syllabus has to be done। ठीक है, आप में से कुछ लोग मजाक सोच रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं सर, RC का कोई syllabus होता है? आज तक किसी ने RC का syllabus बनाया? Obviously नहीं, there is no syllabus। ठीक है, There is no syllabus, but syllabus का मतलब क्या होता है ये तो हम समझे। ठीक है दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट के लिए syllabus का मतलब होता है उसके पीछे के थ्योरी, उसके पीछे के की concepts हमें पता होने चाहिए। ये सुनो, सो उसके पीछे के की concepts क्या है? ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके पीछे के की concepts है कि भैया आरसी में क्या स्किल टेस्ट होती है। आरसी में टेस्ट होती है आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and derive meaning of a given word and phrase। ठीक है भाई, I was just going through some of the sample paper। ठीक है, जब मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा था, so I was going through some sample paper जो 2 साल पहले CLAT consortium ने रिलीज किया था। ठीक है, उन्होंने बहुत मजेदार तरीके से क्वेश्चन पूछे थे पैराग्राफ के अंदर। उन पैराग्राफ के अंदर एक थॉमस पिकेटी का पैराग्राफ था, ठीक है, जिन्होंने बात करी थी कि किस तरीके से इनसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी हो रही है। वहां पर एक वर्ड यूज करा गया, हेयरकट। Now, what is the meaning of haircut? ठीक है, क्या बाल काटना वो haircut की बात है? नहीं, वो haircut की बात नहीं है। So he used haircut in a different sense. Similarly, there was another paper I was going through that was called sample paper 1. Sample paper 1 में, ठीक है, बात हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी
और किस तरीके के इंडिया के जो बिजनेसमैन थे वो और ईस्ट इंडिया कंपनी साथ में कैसे काम कर रहे थे, ठीक है. वहां पे दे वर यूजिंग द सेम लैंग्वेज, ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूजिंग सेम लैंग्वेज, ठीक है. मतलब सेम लैंग्वेज का मतलब ये हो गया, क्या वो लोग एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझ पाते थे, ठीक है, एक दूसरे के विचारों को समझ पाते थे और दोनों एक दूसरे के साथ अग्री होते थे, या दैट वाज अ यू कैन से अ काइंड ऑफ इश्यू कनेक्टेड टू अकाउंटेंसी, कि दोनों का अकाउंटिंग मेथड अकाउंटिंग प्रोसेस सेम था. नाउ दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे इस तरीके से आंसर दे नहीं पाते हैं, ठीक है. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू यू कैन से रीच टू दैट पर्टिकुलर अप्रोच, ठीक है. क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्द फ्रेज के क्या मीनिंग होते हैं वहां पर ध्यान नहीं दिया, मतलब दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर वोकैब, ठीक है. आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस अप्रोच कॉल इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो आपके सामने यहाँ पे एक इनसे तीन सर्कल में जो दिख रहा है, बिल्कुल मेरी उंगली के ऊपर जो दिख रहा है वो, दैट इज एक इनसे तीन एरिया का अप्रोच, दैट इज वोकैब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आपको वोकैब आना ही चाहिए, ठीक है. वोकैब के बगैर आपका आरसी नहीं होगा, भले वो फिक्शन के पैसेजेस हो या नॉन फिक्शन के पैसेजेस हो, ठीक है. जिस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, यू नीड गुड कमांड ओवर वोकैब. दोस्तों मैं 10 बार बता दूं, 20 बार बता दूं कि वोकैब करो, वोकैब करो, वोकैब करो, है ना, उतनी बार कम है, बिकॉज मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग वोकैब नहीं करते, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि मेरा आरसी तगड़ा होना चाहिए, ठीक है. और आरसी में कम स्कोर आता है ना तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, दुख नहीं होता, ठीक है. जब कम स्कोर आता है लीगल में बहुत दुख होता है, ठीक है. आरसी का कम स्कोर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, ठीक है. बोला आज अच्छा नहीं था, आज मतलब पैसेजेस भारी थे, ठीक है, इसकी वजह से नहीं हुआ. अरे भैया, है ना, पैसेज ना भारी था, ठीक है, ना क्वेश्चन भारी थे, न तुम्हारा उधर कंसंट्रेशन की कमी थी, द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारी एबिलिटी में कमी थी, ठीक है. तो भैया एबिलिटी को इंप्रूव करो, है ना, वो कैब इंप्रूव करो, दैट्स नंबर वन. नंबर टू, दी आरसी कम्स विद लॉट ऑफ लॉजिक इन इट, दे वॉन्ट टू नो कि क्या आपको समझ आता है कि जो पैराग्राफ दिया उसका मेन आइडिया ढूंढते कैसे है, उसके पीछे का एजम्पशन क्या है, उसके पीछे के इन्फरेंस ढूंढते कैसे, इन्फरेंस होता क्या है, ठीक है, टोन क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच कैसे निकलती है, है ना, अलग अलग तरीके की फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, ठीक है, वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, इन्फरेंशियल मीनिंग क्या है, इवेल्युएटिव मीनिंग क्या है, ये जानने की आपकी जरूरत है. कोरोलरी बोल दिया कि भाई विच इज द फॉलोइंग कोरोलरी, और यू नो टू गिव एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और ये मतलब एक एक पर्टिकुलर फ्रेज दे दिया, उस तरीके के फ्रेज, है ना, कौन से सिचुएशन के साथ मैच करता है. भैया ये कैपेबिलिटी आपको चाहिए चाहिए, ये सुनो, ठीक है, आपको एक और कैपेबिलिटी चाहिए. दोस्तों ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस क्या है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सिलेबस ये है, वोकैब इज द सिलेबस. दूसरा, एबिलिटी टू फाइंड आउट दोस की वर्ड्स, कि भैया एजम्पशन कैसे ढूंढते हैं, इन्फरेंस कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, एनालॉजी कैसे ढूंढते हैं, कोरोलरी कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, ये है भैया आपका सिलेबस, ठीक है. ऑथर जो बोले, ऑथर ने कब फैक्ट दिया, कब ऑथर इन्फरेंस पे चले गए, कब ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया, वो डिसाइफर करना, वो निकालना, दैट्स योर सिलेबस, ठीक है. फिगर ऑफ स्पीच की तैयारी करना, वो आपका सिलेबस है, ठीक है. आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस समझना, ये आपका सिलेबस है, ठीक है. टोन आइडेंटिफाई करना, ये आपका सिलेबस है, ठीक है. ये सब आपका सिलेबस है. क्या आपको पता है कि आपकी एग्जाम का सिलेबस क्या है आरसी के अंदर? नहीं पता तो ये नोट करिए, ठीक है. ग्रामर आपका सिलेबस है. ग्रामर में क्या पूछा जाता है? प्रीपोजिशन, ठीक है, बिल्कुल आता है. फिर आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है. फिर आता है आपका पैरेललिज्म, कंपैरिजन, ठीक है, मॉडिफायर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये ग्रामर का पार्ट है, ठीक है. ये तीन एरिया है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और वो ध्यान देने के लिए काम क्या करना पड़ेगा, वोकैब, ठीक है. दोस्तों वोकैब ऑन एन एवरेज कैसी चाहिए आपको? करीबन 2,500 वर्ड्स चाहिए, ठीक है. भाई सर मैं रोज वोकैब करूं तो क्या टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा? मेरे पास उतना टाइम थोड़ी बचा है. दोस्तों बोले आप बोर्ड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मतलब आप प्रॉपर हो या आप बोर्ड दे रहे हो, बिलीव मी, spending 15 minutes in the morning and 15 minutes in the night on vocab is a very good idea, ठीक है.
भैया उसके बगैर काम ही नहीं होगा। आरसी क्रैकी मतलब आरसी में जो तगड़ा स्कोर चाहिए ना, तगड़ी एक्यूरेसी का, कम समय में, स्पीड में, विद लॉट ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल वोकैब जरूरी है। लॉजिक के लिए क्या होगा, इन्फरेंस, एजम्पशन, एनालॉजी, कोरोलरी, कैसे फैक्ट, इन्फरेंस, जजमेंट आइडेंटिफाई करना है, मेन आइडिया कैसे ढूंढना है, टोन कैसे ढूंढना है, ये हो गया लॉजिक का पार्ट। ठीक है, आप ये लॉजिकली ये सब चीजें अप्लाई करेंगे एंड देन यू गो फॉर योर ग्रामर। ठीक है दोस्तों, एक और चीज ठीक है इसके साथ इज दिस कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, हम सब लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच हम सब लोगों का क्या होता है आरसी के लिए, भाई आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, प्रॉब्लम आया, ठीक है, वी फेस सम प्रॉब्लम कि भाई आंसर गलत हो गया, समझ नहीं आया, पैराग्राफ नहीं अच्छे से बैठा, गोली मारो, हमने उसका सॉल्यूशन देख लिया, वी आर वेरी हैप्पी, गुड गुड गुड, ठीक है चलिए समझ में आ गया। ठीक है, वापस हमने नए आरसी निकाले, उसकी प्रैक्टिस करें, हमें लगा कि आरसी की प्रैक्टिस करते करते हम सीख जाएंगे कि भैया आरसी का आंसर आता कैसे है। भैया ऐसे नहीं आता है, ठीक है ना। लेट मी टेल यू दैट बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस यू विल नॉट नो what to find out until and unless you try and work on some important front. So right approach kya hai, chaliye samajhte hain. Right approach is you first go through the syllabus. Theek hai sir, aisa koi syllabus ka saman available hai kya aap de sakte hain? Bilkul, main aapke liye ek tagda sa ek inse book banaya hu jisme 500 questions hai, jisme ye pura syllabus cover kiya hai. Theek hai, अब आपके पास दो तरीके की एकेन से पीडीएफ आएगी। ठीक है, ये सिलेबस दो तरीके के होंगे, एक होगा बहुत बेसिक है जिनके लिए, जो वर्निकुलर मीडियम से, जो हिंदी भाषी मीडियम से है या जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है वो पहला वाला पीडीएफ ले। ठीक है, जिनका ओवरऑल इंग्लिश अच्छा है, दे आर गुड एट दैट बट स्टिल दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, वो लोग सेकेंड वाला पीडीएफ ले। ठीक है, एक है बेसिक वाला, ठीक है, और एक है एडवांस वाला। ठीक है, So, दोस्तों ये बेसिक वाला पीडीएफ आप लीजिए या एडवांस वाला लीजिए, दैट इज कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, देन यू प्रैक्टिस आरसी क्वेश्चंस। दोस्तों मैंने कल जब आपके लिए आरसी का 7 आवर चैलेंज डाला था उसके साथ 162 क्वेश्चन का एक मजेदार सा पीडीएफ डाला है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर सच काइंड ऑफ पीडीएफ so that it turns out to be really good for you. ठीक है, तो अब आप जब टेस्ट दे, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, जब आप टेस्ट दे फिर आप टेस्ट के बाद आइडेंटिफाई करिए कि आपके गैप क्या है, क्या मेरे गैप क्वेश्चंस का जो थॉट प्रोसेस है, जो पैराग्राफ का थॉट प्रोसेस है और उसके ऊपर से जो क्वेश्चंस पूछे वो थॉट प्रोसेस मैं डेवलप नहीं कर पाया हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ में ढूंढ नहीं पाता हूं कि मेरे को आंसर क्या ढूंढना है। ठीक है, अगर वो दिक्कत है तो भैया इंप्रूव करिए, कैसे करेंगे, व्हेन यू गो थ्रू दिस सिलेबस। ठीक है, व्हेन यू गो थ्रू दिस पीडीएफ। सेकंड इज सर, आई एम नॉट एबल टू गेट द फुल ग्रास्प ऑफ द पैसेज, पॉसिबली इट इज बिकॉज ऑफ द वोकैब। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आफ्टर द टेस्ट गेट्स ओवर यू रीड द एंटायर पैराग्राफ, डिस्कस विद योर फ्रेंड। ठीक है, आइडेंटिफाई टफ वर्ड्स, नोट डाउन दोस टफ वर्ड्स। ठीक है, आइडेंटिफाई दोस आइडियाज, कौन से आइडिया है पैराग्राफ में दिए गए हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है, क्यों नहीं पता है, ठीक है, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में और मैं कैसे जानूं। ठीक है, आई शुड नो अबाउट इट। ओके, सो व्हेन दे टॉक अबाउट लेट्स से देयर इज काइंड ऑफ नेशनलिज्म का इंडियन वर्जन, नेशनलिज्म का टैगोर का आइडिया, या नेशनलिज्म का गांधी जी का आइडिया, या नेशनलिज्म का किसी और का आइडिया, क्या फर्क होता है। ठीक है ना, सबके अलग अलग विचार है, वो विचार कैसे डेवलप हुए, वो कौन से शब्दों से पता चले, आइडेंटिफाई करिए एंड देन आई वर्क ऑन द वोकैब। सो बेसिकली व्हाट आई डू इज आई कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, आई प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आई आइडेंटिफाई गैप, आई वंस अगेन कम बैक टू माय सिलेबस, कैरी आउट माय वोकैब, आई डू रीड इट राइट। ठीक है दोस्तों, कैसे रीड करना इज अ वेरी क्रूशियल फ्रंट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए एक तगड़ा सा कोर्स बनाया है रीड इट राइट का। ठीक है, बेसिकली इन विच आई हैव मेड सम अराउंड 10 वीडियोस। ठीक है, जहां पे मैंने न्यूज़पेपर के आर्टिकल, जैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्लैट के एग्जाम में न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आते हैं, उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के ऊपर से क्वेश्चंस बनाए और उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ना कैसे, ठीक है, और किस तरीके से आंसर्स पे पहुंचना। ठीक है, मतलब एक पैसेज इनसे सॉल्व करने में अप्रोच क्या होना चाहिए, ये मैंने बहुत तगड़ी तरीके से बताया। इफ यू वॉन्ट टू टेक दैट, दैट्स ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, सो आपके पास आरसी के अंदर इंप्रूव करने के लिए है ना, मेरी तरफ से एम्यूनिशंस आपको देने के लिए बहुत ज्यादा है।
ठीक है, आप लीजिए इसको, ठीक है, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, ठीक है। मेरा मानना है कि आप सब लोगों को आपका जो ओवरऑल स्कोर आएगा उसमें आरसी का वेटेज 25% से ऊपर होना चाहिए, नॉट जस्ट 20%, ठीक है, 25% से ऊपर होना चाहिए। ये टारगेट के साथ आप पूरी तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। आई एम श्योर आपको मेरी बातें समझ आई होगी, ठीक है। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आप बिल्कुल मुझे बताइए, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर दैट पार्ट। सो आई हैव कवर्ड दिस टू पॉइंट्स, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट, ठीक है, आपको आपकी जो गलतियां है उसको रिमूव करने के लिए कुछ डिसिप्लिन चाहिए होगा, ठीक है। आपकी गलतियां क्या है कि भैया आपको लगता है कि आरसी के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं चाहिए, तो भैया एक डिसिप्लिन चाहिए। अगले 7 वीक का टाइम बचा है, उन 7 वीक्स के अंदर 19 जून को जब आपका एग्जाम है, ठीक है, उसके पहले आपको अगर लाइफ बदलनी है तो अभी तैयारी करिए, ठीक है, और सही इनसे सिलेबस पकड़िए, नंबर वन। एंड नंबर टू, वोकैब के ऊपर रोज ध्यान दीजिए, यस नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम पुटिंग डेली 5 वर्ड्स, ठीक है, आप देखते होंगे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तगड़े वर्ड्स है, टॉप वर्ड्स है, डिफिकल्ट वर्ड है, ऑन अ टेलीग्राम चैनल मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, यस नो। क्यों मैं वोकैब के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई तुम अगर वोकैब अच्छा कर लोगे ना तो तुम पहुंचोगे NLU, ठीक है दोस्त। तुम जब NLU पहुंच जाओगे ना तो तुम कौन मैं कौन होगा ये तो पक्का है, है ना। पर ठीक है, मुझे ये समझ में आता है कि भाई अगर मैं आज, है ना, तुम्हारी लाइफ में छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा ना, ठीक है, बराबर है, तो जिंदगी भर तुम मुझे याद रखोगे कि हाँ किसी भाई साहब ने मेरे को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण टिप दी थी जिसकी वजह से आज मैं सही जगह पे हूँ, ठीक है। एंड देन यू मस्ट प्रैक्टिस आरसी इन द गिवन टाइम लिमिट, हमेशा टाइम लिमिट में सॉल्व करें, है ना, टाइम लिमिट की ड्रिल लगाइए, ठीक है, कि भैया मैं एक साथ लेट्स से 5 आरसी के टेस्ट दूंगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस 3 दिन में या 2 दिन में डिपेंडिंग अपॉन योर अप्रोच, ठीक है, बट 5, 10, 15, 20 आपकी मर्जी, आप अपने अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट यू डू इट इन टाइम लिमिट एंड ट्राई टू सी कि कहां गलतियां करते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है दोस्तों। बातें जो हमने आज करी, ठीक है, वो बहुत डायरेक्ट कॉन्क्रीट वे में, कि ये रहा पहला मुद्दा, ये रहा दूसरा मुद्दा, ये रहा तीसरा मुद्दा, इतना कॉन्क्रीट नहीं है, ठीक है ना। इट इज नॉट लाइक ये रही मैथ की फॉर्मूला कर लो, ठीक है, इतना कॉन्क्रीट नहीं है। ये रहा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इतना कर लो। हाउएवर मैंने कोशिश तो करी कि मैं आपको, है ना, बेसिक वालों के लिए एक PDF दे दूं, एडवांस वालों के लिए सिलेबस का PDF दे दूं, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, PDF दे दूं, ऐसा मैंने कोशिश करी है, ठीक है। हाउएवर ठीक है, बातें इतनी सिंपल नहीं है, आपको इन बातों को 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, इसके पीछे के जो डीप मतलब है उसको और समझना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट एंड द क्वेश्चन, हाउ यू गो फ्रॉम टेक्स्ट टू क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन टू टेक्स्ट, है ना, और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डेवलप योर माइंड फॉर आरसी क्रैकिंग फ्रंट। दोस्तों ये बताइए कि आपको, है ना, इस पर्टिकुलर वीडियो से, है ना, कोई फायदा हुआ, अगर हाँ तो क्या फायदा हुआ वो बताइए कमेंट बॉक्स में, आई वॉन्ट टू नो दैट। ओके ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, डोंट मिस आउट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना, डोंट मिस आउट टू बी पार्ट ऑफ आवर कोर्स, है ना, दैट्स अ वंडरफुल कोर्स वी आर ऑफरिंग टू यू गाइस, है ना, लॉट ऑफ यू आर पार्ट ऑफ इट, ठीक है, एंड डोंट मिस आउट, यू कैन से टू एंजॉय दिस PDF विच वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू। ओके थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।